राजस्थान में 26 अप्रैल को दूसरे चरण के तहत 13 लोकसभा सीटों पर चुनाव होंगे। इसको लेकर सियासत के पारे में गर्माहट बढ़ती जा रही है। जोधपुर में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस पर जमकर करारा हमला किया। योगी ने बीजेपी के प्रत्याशी गजेंद्र सिंह शेखावत के पक्ष में रोड शो करते हुए कांग्रेस पर जमकर निशाने लगाए। उन्होंने कांग्रेस का नाम लिए बगैर निशाना साधते हुए कहा कि देश में राम मंदिर बन गया है और देशद्रोही और राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में लिप्त रहने वालों का राम नाम सत्य हो गया है। इस दौरान योगी ने अपने भाषण में कांग्रेस पर जमकर हमला किया। देखिए सीएम योगी का रोड शो का ये वीडियो। कल ही प्रथम चरण का मतदान संपन्न हुआ है। 102 लोकसभा सीटों पर पहले चरण में जो मतदान हुए हैं और रुझान बताते हैं कि पूरे देश की जो आवाज है फिर एक बार मोदी जी के नेतृत्व में अब की बार 400 पार का लक्ष्य अवश्य सफल होने जा रहा है। कल के चुनाव में आई इस प्रचंड तूफान में मोदी जी को फिर से देश की सत्ता सौंपने का निर्णय लिया है, कोई संदेह नहीं होना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस की सांप्रदायिक सोच के कारण, जातिवादी सोच के कारण यह देश पहले ही भारी नुकसान से चुका है। कांग्रेस देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने वाली पार्टी है, आपकी आस्था के साथ खिलवाड़ करने वाली पार्टी है और कांग्रेस को आज आपने भारत में देख रहे होंगे, आज तो कहीं थोड़ा सा जोर से पटाखा फटता है तो पाकिस्तान सफाई देता है कि मेरा हाथ नहीं है।